दोस्तों, अगर आप अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, अमेज़न आपको चूना लगा सकती है। हमने 1,40,000 देकर कैमरा ऑर्डर किया था, लेकिन अमेज़न ने हमें ये फटे हुए जूते और पत्थर भेज दिए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर रिफंड भी अटका रखा है, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन फॉर्म्स 21 फरवरी को रिलीज हुए थे और तब से अब तक 5-6 बार एडमिशन फॉर्म्स की डेट को एक्सटेंड किया गया है। 20 अगस्त को एडमिशन फॉर्म्स की क्लोजिंग डेट थी, बट आउट ऑफ द ब्लू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक नोटिफिकेशन रिलीज करता है जिसमें ये लिखा है कि एडमिशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड करके 14 सितंबर तक कर दी गई है। इस सब में सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि स्टूडेंट्स को अपनी क्वालिफाइंग मार्कशीट यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे अपलोड करनी है ताकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया मेरिट लिस्ट बनाने की ओर बढ़े। उसके बाद जामिया के पीआरओ और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मीडिया में भी बयान दिए गए हैं कि इस बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया COVID-19 की वजह से एंट्रेंस ना करवा के मेरिट के हिसाब से एडमिशन ले सकता है। ये एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एक्सक्लूशनरी और आर्बिट्री मूव है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मेरिट बेस्ड एडमिशन्स कराने की कोशिश कर रहा है। हम लोग जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इस स्टेप को, इस आर्बिट्री और अनडेमोक्रेटिक स्टेप को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। And then there are a set of reasons why we are protesting this. पहला कारण तो ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर पिछड़े हुए तबके के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के वो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो सोशली एक्सक्लूडेड हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की वो महिलाएं पढ़ती हैं जिन्हें शायद इतना सेफ एटमॉस्फेयर कहीं और फील नहीं होता, जिनके साथ एक कल्चरल बायस होता है, एंड वो यहाँ पर अपने उनके पेरेंट्स उनको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं बिकॉज दे कंसिडर दैट जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफर्स देम एटमॉस्फेयर विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम एंड विच इज़ फ्रेंडली फॉर देम। उन स्टूडेंट्स को लेकर के एक खासी कंसर्न है। सेकेंडली, यहाँ पर स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर का भी सवाल है बिकॉज देर आर अ होल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो साल साल भर पहले से एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन लोगों ने ईयर ड्रॉप्स लिए होते हैं सिर्फ जामिया का एंट्रेंस प्रिपेयर करने के लिए, एंड लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें पता चलता है कि एंट्रेंस नहीं होगा तो दिस इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग बिकॉज मेनी ऑफ दो स्टूडेंट्स हैवन्ट रियली स्कोर्ड हाई इन मेरिट्स इन देयर 12th ग्रेड एग्जाम्स। तो उन लोगों के एडमिशन्स को लेकर के भी एक बड़ा सवाल है, और मेरिट बेस्ड एडमिशन जिस तरीके से एक एलिटिस्ट आइडिया है जिसमें जो प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं या जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं लोगों को इतना हाई परसेंटेज मिलता है, एंड द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स कैन नॉट रियली कम्पीट विद द CBSE स्टूडेंट्स, स्पेशली एट दिस टाइम ऑफ द ईयर जब CBSE में मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 95% मार्क्स। हम जैसे जो स्टेट बोर्ड से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ये सीधा सीधा आप जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते। जब CBSE और स्टेट बोर्ड को आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि लगभग जो है आराम से स्टूडेंटों को 90% 95% तक मार्क्स CBSE में 12वीं में आ जाते हैं, और वहीं स्टेट बोर्ड में वो 70% से 75% बहुत हो जाता है। और ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का अपना डाटा है कि बिहार और UP और जम्मू कश्मीर से तकरीबन 70% से 75% स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आते हैं। अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात को बताए कि वो स्टूडेंट जो कि जिसका कि घर का पहला जनरेशन है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया है, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा 10वीं में जब मैं CBSE से एग्ज़ाम दिया था तो वो लगभग 9 CGPA आया था, और वहीं जब 12वीं बिहार बोर्ड से दिया तो वो 72.08% आया, और जो स्टेट टॉपर था उसको लगभग तकरीबन जो 30 से 35 मार्क्स मेरे से ज़्यादा थे, और मैं इतने ही कम मार्क्स में जिला टॉपर हो गया था। अगर अब इस बात को सोचिए, यहाँ सोचिए कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहा होता तो मैं भी फिर यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पाता, और इस तरह से मेरे जैसे कई छात्र जिन जो कि यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के बाद जिनका कि पहला जनरेशन होता है जो यूनिवर्सिटी तक जा पाते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। थर्ड इशू इज दिस दैट देर इज़ अ होल लॉट ऑफ रीजनल बायस दैट गोना कम अप इफ जामिया गोज़ फॉर अ मेरिट बेस्ड एडमिशन, बिकॉज जामिया के अंदर जो 46% स्टूडेंट्स हैं
वो थर्ड टायर सिटीज से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं. एंड देन द 76% स्टूडेंट्स इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया कम फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली. तो अगर यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिस्टम आता है तो यहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. यूनिवर्सिटी कहने को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और सरकारी डाटा है कि लगभग जो है 4-7% मुस्लिम स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं. अब ऐसे में वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुंचने से महरूम रह जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन उन दबे शोषित जो तबका है वो चाहता है कि वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए. और जो गवर्नमेंट का साइड कर देने का जो प्रोपेगेंडा है, जो साइड कर देने का पूरा प्लान है एक शोषित तबकों को, यूनिवर्सिटी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है. किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स होते हैं. यूनिवर्सिटी की पहचान ही स्टूडेंट से होती है और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं. इसीलिए यूनिवर्सिटी के करिकुलम और पॉलिसीज में स्टूडेंट्स का भी से होता है. इसके लिए अकेडमिक काउंसिल्स बनाई जाती हैं जो कि डिसीजंस लेती हैं इन पॉलिसीज पे, और उन अकेडमिक काउंसिल्स में स्टूडेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है. बट जामिया में कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट्स का अकेडमिक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन नहीं है. तो ऐसे में यूनिवर्सिटी कैसे स्टूडेंट्स के इश्यूज को और उनकी प्रॉब्लम्स को रेज कर पाएगी अगर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा. यहाँ नोट करने की ये भी चीज़ है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन्स कराने का डिसीजन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनडेमोक्रेटिकली लिया है बिना अकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाए. तो इन्हीं सभी सवालों के साथ वी हैव ट्राइड टू रीच आउट द जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कि उसको एक क्लियर नोटिफिकेशन निकालना चाहिए. और जो मेरिट बेस्ड सिस्टम का जो वो बात भी कर रहे हैं उसको रिजेक्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूजनरी एंड इट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द राइट टू एजुकेशन. बिकॉज यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं या जो पिछड़े हुए तबके से बच्चे आ रहे हैं या स्पेशली जो महिला स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मुस्लिम महिला स्टूडेंट्स हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन अफेक्ट होगी एंड इट इज़ कॉजिंग अनदर सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्जाम्स और कोरोना वायरस की वजह से स्ट्रेस. उन स्टूडेंटों के लिए जो गांव से हैं, जो CBSE अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो स्टेट बोर्ड में पढ़ने में मजबूर हैं, उन स्टूडेंटों को ये बाहर भेजने का रास्ता दिखाएगा और वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसलिए हमारा मांग है कि स्टूडेंट जो मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए और जब पेंडेमिक की हालात नॉर्मल हो जाए, जब ये हेल्थ क्राइसिस थोड़ा सुधर जाए या सॉल्व होने की स्थिति में हो, तब जा कर के एंट्रेंस टेस्ट लिया जाए और जो पहले जिस तरह से रिजल्ट आता था उस ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाए ताकि एक बहुत बड़ा हिस्सा कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन जो है लगभग 70% स्टूडेंट दूर हो जाने वाले हैं, वो स्टूडेंट जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, उनको एडमिशन मिल सके. इसके लिए जो है मेरिट बेस को ख़त्म करके जो पहले एंट्रेंस का तरीका था उसी को लाया जाए और ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से बरता जाए और पेंडेमिक का बहाना बना करके स्टूडेंटों को दूर ना किया जाए. साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें. आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं. बेनिफिशरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233-00-9468-9357, IFSC कोड है RATN0VAAPIS. ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं. बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई. आप हमें 8595-794-2248 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं. पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224. जय भीम, जय भारत.